सिंगरौली मोरवा थाना क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर घातक हथियारों से लैस होकर राहगीरों के साथ लूटपाट कर क्षेत्र में भय का वातावरण निर्मित करने वाले डकैतों को मोरवा पुलिस ने धर दबोचा है। डकैत गिरोह के 5 सदस्यों को पुलिस ने पकड़ा। इनके पास से 2 पिस्टल, बाका रड कारतूस भी बरामद हुए हैं। सिंगरौली से फरीन सिन्हा की रिपोर्ट। ज्यादा समाचार देखने के लिए हम नीचे दिए लाल रंग के बटन को सब्सक्राइब करें, बगल में दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। हमारे समाचार को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। कुछ लोग जो कि अभ्यासिक अपराधी हैं, डकैती का प्रयास करने के लिए तैयारी कर रहे हैं, इस पर पुलिस मोरवा पुलिस ने अपना एएसआई लालमणि साकेत, एएसआई विनोद सिंह, एएसआई दीक्षित, कांस्टेबल राहुल, कांस्टेबल केशव, कांस्टेबल विष्णु, हेड कांस्टेबल राजेश, ये पूरी एक टीम बन के निकली और उन्होंने जाके घेराबंदी करी। घेराबंदी करने पर उन लोगों को पाया कि ये 5 लोग जो थे ये घातक हथियारों से लैस होके डकैती की तैयारी कर रहे थे, खदान में घुस के। ये लोग अभ्यासिक अपराधी हैं, कोई डीजल चोरी में पहले 2-3 बार जेल जा चुके हैं, कई लोग कबाड़ के जो खदान के अंदर घुसते हैं और कबाड़ चुरा के ले जाते हैं, उसमें ये प्रयास करते हैं और लेके चले जाते हैं। ये जेल से छूट के आए थे और पुनः वारदात करने की तैयारी कर रहे थे। इसमें पुलिस ने इनकी घेराबंदी करी और घेराबंदी करने के बाद इनको पकड़ा। पकड़ने पर 2 लोगों के पास से 12 बोर के देशी कट्टे जब्त हुए हैं, मैं कारतूस के, 2 लोगों के पास में लोहे का बका और 1 के पास में रॉड। तो इन लोगों को पकड़ के थाने पर ला के कार्रवाई की गई है और धारा 399-402 के तहत और 25-27 एक्ट के तहत इनको गिरफ्तार करके न्यायालय में पेश किया गया, जहां से वो जेल चले गए। पोल होल पोस्ट पर हमारे साथ बने रहने के लिए नीचे दिए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाएं और बगल में दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे हमारी नई अपडेट आपको समय समय पर मिलता रहेगा।